भाइयों और बहनों, मेरे सभी मित्रों, आज मैं एक नायाब नुस्खा आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस समय ये चीज आपको मिल जाएगी, इसलिए इसी समय बता रहा हूं। अब मौसम चल रहा है लहसुन की फसल का, और लहसुन में एक कुतिया एक गांठ का लहसुन, जिसको गठिया लहसुन भी बोलते हैं, एक गांठ का लहसुन भी बोलते हैं और एक पुतिया लहसुन भी बोलते हैं। ये सब एक पुतिया लहसुन है, इसमें एक ही गांठ होती है, देख लीजिए ये एक ही गांठ है, इसलिए इसको एक पुतिया और एक गांठ वाला लहसुन बोलते हैं। तो जिनको गठिया हो गया है, अर्थराइटिस है, साइटिका है, गाउट है और बैक पेन है, जॉइंट पेन है और संधिवात है, सभी प्रकार के समस्त शारीरिक दर्दों के लिए मैं एक बहुत सीधा साधा सरल उपाय बता रहा हूं। इसको आप गांव के किसी बाजार से खरीद लें, ये थोड़ा किसान लोग इसको डबल रेट पर या ट्रिपल रेट पर देते हैं, दुगने रेट पर देंगे या तीन गुना पे देंगे, अभी आपको मिल जाएगा किसानों के घरों में, और अगर आप ढूंढना चाहें तो गांव के बाजारों से बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, शहरों में मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसका कैसे प्रयोग करेंगे, इस तरह की जो मोटी मोटी, ये ज्यादा मोटा नहीं होता, एक ही गांठ होती है इसलिए, तो इस तरह की दो गांठें रोजाना थोड़ा भून के शहद में मिलाकर खाने से, दिन में केवल दो गांठें रोजाना, ऐसा व्यक्ति जिसके कि शरीर में दर्द है, गठिया रोग है, वात रोग है, संधि वात है और साइटिका है, अर्थराइटिस है, गाउट है, वो केवल दो पुती निकाल के थोड़ा सेक कर शहद के साथ खाएंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे, तो चंद दिनों में गठिया रोग चला जाएगा। बहुत सीधा साधा सरल उपाय मैंने बताया है आपको, आप करके इसका फायदा ले सकते हैं। कम से कम दो गांठें आपको रोजाना खानी है, इस तरह से आप एक दो किलो एक पुतिया एक गांठ वाला लहसुन ले लें, ये आपको गांव के बाजार से आसानी से मिल जाता है। मित्रों, ये मेरा चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य किया करें, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा छतारी।